से चिराग पासवान की मुलाकात हुई है। देखिए ये ठीक एन वक्त पर एकदम सही समय पर एक बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह से चिराग पासवान की मुलाकात हुई है। कुछ देर पहले इस पर चर्चा चल रही थी, उस तस्वीर के बारे में दिलीप जायसवाल और पशुपति कुमार पारस के बारे में चर्चा चल रही थी कि एक तस्वीर हवा में तैर रही है। और इस वक्त एक जो सबसे बड़ी खबर है दिल्ली से कि ये देखिए तस्वीर भी आ गई, अमित शाह से चिराग पासवान की मुलाकात हुई है। बुके लेकर दोनों ही बड़े नेता खड़े हैं, इत्मीनान से बातचीत हो रही है और पूरे कॉन्फिडेंट यहां पर नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है और यह जरूरी था। चिराग पासवान एक परिपक्व राजनेता की तरह हर वो चाल तरीके से खेल रहे हैं। अब आप देखिए यहां पर अमित शाह से ही दोनों ही नेताओं की मुलाकात होती है। एक तस्वीर तो वो जो पशुपति कुमार पारस मिलते हैं और दूसरी तस्वीर यह कि चिराग पासवान की मुलाकात होती है। चलिए एक बड़ी जानकारी खबरों के माध्यम से, डॉक्टर संजय एक मुलाकात की बात तो हो रही थी, देखिए फोटो आ गई। अब नहीं नहीं फोटो तो आनी ही थी, चूंकि चिराग पासवान जी जो मैंने अखबारों में देखा कि दो दिवसीय दौरे पर बिहार आए थे और जैसे ही इस तरह की तस्वीरें वायरल हुई वो दौड़े दौड़े दिल्ली गए। अमित शाह जी से वो जाकर के मिले होंगे और मिलकर के उन्होंने बताया होगा कि नहीं मेरा कहने का स्टैंड ये नहीं था, हम इस वजह से कह रहे थे, इस वजह से वो मिले होंगे। क्योंकि होता क्या है कि अब चाचा जी को जब तरजीह मिलने लगी होगी तो लगा होगा चिराग पासवान जी को ही तो खेल ही बिगाड़ देंगे। अब मैंने कहा अभी कौन सा शब्द इस्तेमाल किया कि वो जो तस्वीर में सामने गृह मंत्री जी दिख रहे हैं उनके झोले में कई तरह के जड़ी बूटी हैं और वो कब कौन सी जड़ी बूटी को निकालते हैं, कब किसका इस्तेमाल करते हैं, ये पूरे भारत को पता है। तो इसीलिए चिराग पासवान जी गए, एक अच्छी तस्वीर आई, सकारात्मक तस्वीर। मैं मानता हूं कि वो एनडीए के हिस्से हैं, पारस जी भी एनडीए के हिस्से हैं, मैं इस तस्वीर को सकारात्मक देखता हूं और अब यहां पर चीजों पर विराम लग गई, एक अच्छा संकेत है। मैंने कहा ना कि चार राज्यों के विधानसभा चुनाव तक किसी भी तरह का कोई चीज़ नहीं होने जा रही है। अभी चार राज्यों का विधानसभा का चुनाव सामने है, बिहार का बाई इलेक्शन सामने है, इसलिए ये जो हवा में जो चीज़ें तैर रही थी शायद चिराग पासवान जी ने बिल्कुल आपने सही कहा, एक मैच्योर्ड नेता के तौर पर अमित शाह जी से मिलकर के इस तरह के अगर संकेत और एक मैसेज देने की कोशिश की है और इस सारी बातों पर विराम लगाने की भी कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया, आज की डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं, समय की समाप्ति यहां पर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, खबरें लगातार जारी हैं।